नमस्कार, मैं हूँ संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ के जियो पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। महाराष्ट्र से श्रमिकों ने अपने घर वापसी अपील का वीडियो वायरल हुआ है। लगभग 200 लोग महाराष्ट्र के रत्नागिरी में मछली पकड़ने का काम करते हैं। इनके मालिक ने इन्हें 8 महीने से पगार नहीं दी है और अब तो हफ्ते का खर्चा देना भी बंद कर दिया है। उन्होंने वीडियो वायरल कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाई है। इन्होंने वीडियो में अपना दर्द बयान किया है। इन्होंने प्रार्थना पत्र व पीड़ितों की लिस्ट भी जारी किया है। लगभग 40 लोग हैं। यह सभी लखीमपुर खीरी जिले के तहसील निघासन क्षेत्र के रहने वाले हैं। मोदी जी और योगी जी के पास भेजना चाहता हूँ और हम लोगों को जी यहाँ 9वां महीना चल रहा है जी और 7.5 महीने काम हुआ है और अब 1.5-2 महीना हो गया है बैठे बैठे और सेठ बोलता है घर जाने के लिए परमिशन बनवाओ। उसके लिए सर हम लोग थोड़ा बहुत जैसे फार्म वार्म जमा किए हुए हैं तो वो परमिशन तो बन चुका है, फिलहाल बन जाए 2-3 दिन में आ जाएगा। बाकी सेठ बोलता है कि जो है घर जाना है तो आधा पैसा देता है, बोलता है आधा बाद में जो है जाने के बाद भेजेगा और घर जाएगा, उसके बाद अगर नहीं भेजा तो हम लोग क्या करेगा। तो आप लोगों से निवेदन है सर कि आप लोग जैसा बताओ वैसा हम लोग करें। हम ये वीडियो आपको आपके नरेंद्र मोदी और योगी के सामने पहुंचाना चाहते हैं कि सर हम 8 महीने से इधर काम कर रहे हैं और अब 8 महीने के बाद 6 महीना काम किया, 2 महीने से काम बंद है। अब सेठ बोलता है कि अब अपने गांव जाओ, ना तो हिसाब दे रहा है ना तो अब खाना पानी में दिक्कत हो रही है हम लोगों को खाने पीने में। वो बोलता है कि अब जितना खाना दे हम दे रहे हैं उतने खाने उतने में खाना खाओ, उतने में सबर करो और गांव जाना चाहते हो तो परमिशन बनवाओ, उसके बाद में तुम लोग गांव जाओ, नहीं तो तुम्हें पूरा पैसा दिया जाएगा और नहीं तो इधर पूरा खाना पानी मिलेगा सर। तो हम लोग इतनी मजबूरी में फंसे हैं सर, तो हम लोग क्या करना चाहते हैं आप बताइएगा। हमारे वीडियो मोदी के पास और योगी के सामने पहुंचाना जरूरी है सर। दोस्तों घर बार छोड़ कर के शहरों में भटकते हैं, जो लेकर हमको आए वो ही छोड़ गए मझधार, कुछ तो करो सरकार। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। हमको न पता था कि ये दिन भी आएंगे, कोरोना के कारण घरों में सब छिप जाएंगे। हमको न पता था कि ये दिन भी आएंगे, कोरोना के कारण घरों में सब छिप जाएंगे। हम तो बस पापी पेट के कारण झेल रहे हैं मार, कुछ तो करो सरकार। हो सूना पड़ा घर द्वार, हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार, हमारा सूना पड़ा घर द्वार। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।